आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं गरियाबंद जिले के, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का इलाका बहुत ही सुंदर है। ये मैनपुर का इलाका है और पहाड़ों के ऊपर हम अभी हैं माँ पैरी के उद्गम स्थल में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले ब्लॉग्स में देखा है महानदी का उद्गम और साथ ही साथ देखा है सोंडूर नदी का उद्गम, तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं पैरी नदी का उद्गम, जहाँ पे हमारे नागमढ़ी देवांगन भाई हमर गरियाबंद, जिनका चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वो हमको गाइड कर रहे हैं और हमको यहाँ तक लेके आए हैं। और काफ़ी शुक्रिया भाई, धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोग आए हैं हमारे इस दर्शनीय स्थल को लोगों के बीच में पहुंचाने। हम चाहते हैं कि लोग भी यहां आए, इस जगह को देखें। बाकी जगहों की तरह बहुत बढ़िया जगह है, पूरा पहाड़ों से घिरा है। अगर आप कहीं भी डिस्टर्ब होते हैं अपने निजी लाइफ में, ज़िंदगी में आपको शांति चाहिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच, एकदम प्योर शुद्ध वातावरण में आप यहाँ जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों नागमढ़ी भाई का बात सुना बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इनके चैनल का लिंक नीचे दिया है, जाकर के एक बार देखिए। और साथ ही साथ वहाँ लोकेश भाई हैं, लोकेश भाई के भी चैनल को देखिए आप। शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को, सीधा नीचे सीढ़ियों के नीचे पहुँच। पैरी उद्गम स्थल जाने के लिए हम लोगों को इस पहाड़ी में चढ़ना होगा और इस पहाड़ी का में जो सीढ़ी है वो लगभग 250 से 350 सीढ़ी यहाँ के जो स्थानीय हैं पुजारी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। और जैसे ही आप इस सीढ़ी में चढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको बगल में एक मंदिर दिखाई देगा, तो मैं आपको उस मंदिर में विराजे भगवान शंकर, क्योंकि यहाँ नंदी बैला जी मुझे दिखाई दे दिए हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि अंदर में ज़रूर शंकर भगवान होंगे। सबसे पहले तो गणेश जी हैं, और जैसा कि मेरा अनुमान सही निकला, अंदर में शिव पार्वती शिवलिंग विराजित हैं। तो यहाँ से आप अपनी पैरी उद्गम स्थल की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसमें लगभग 250 से 300 के आसपास अनुमानित है ऊपर चढ़ने के बाद, शायद मैं कंफर्म बता भी दूं, तो 250 से 350 सीढ़ियों के आसपास हमें चढ़ना है। तो हम लोग चढ़ रहे हैं और देखते हैं कि रास्ता में हमें क्या क्या दिखाई पड़ जाएगा। सिहावा में जो हम लोगों ने चढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के भी जो सीढ़ी हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिसके कारण से अभी तक हम लोग देख सकते हैं नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको तकरीबन 70 से 80 सीढ़ी के आसपास चढ़े हैं। लेकिन ये वास्तविकता में अगर इसका जो नॉर्मल सीढ़ी का साइज होता है उस साइज में बनाया जाता तो ये 100 से ऊपर ही रहता। चलिए देखते हैं, अभी तो काफ़ी ऊपर जाना है। लोकेश फाइनली चढ़ गया है, कैसा अनुभव है भाई? हालत ख़राब हो गई दोस्त, सीढ़ी को देख सकते हो इतनी खड़ी सीढ़ी है। आप अगर आते हैं तो हाथ में पानी बॉटल, हल्का फुल्का कुछ खाने का सामान रख लें, अन्यथा यहाँ ना आए बिना पानी बॉटल के, क्योंकि आपको कहीं भी कभी भी प्यास लग सकती है, चक्कर भी आ सकता है, तो इसलिए पानी बॉटल जरूरी है। चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसा लोकेश भाई ने कहा सही बात है कि आप यहाँ ही नहीं किसी भी ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहाँ ट्रैकिंग आपको करना है, इस प्रकार से पहाड़ी चढ़ना हो तो आप पानी बॉटल मस्ट कंपलसरी रखें, ग्लूकोज वगैरह का कुछ चीज़ रख सकते हैं, ग्लूकोन डी तो वो भी रख लें, खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख लें, लेकिन ऊपर जब जाएं तो सारे पानी बॉटल से लेके आपके जितने भी रैपर्स हैं उसे वापस ले आएं, तो ये आपको रास्ता में काम आएगा। तो फिलहाल लोकेश भाई शानदार चढ़ाई चढ़ते हुए जोश और जुनून के साथ, तेज गति से भरपूर थकावट के साथ फिर वापस आते हुए कुछ मिस्टेक हो गया। ओह, ये वाला शॉर्ट चल रहा है दोस्तों, लोकेश भाई के चैनल में देख लेना, ये शॉर्ट में गड़बड़ी है भाई। दरअसल में एक तकलीफ और होता है हम ब्लॉगर्स को, कि हम जो सीढ़ी चढ़ते हैं ब्लॉगिंग करते हुए तो जो उसमें बात करने में एनर्जी जाता है, मेन एनर्जी वहाँ थकावट हो जाती है। देख ही सकते हैं, देख सकते हैं रास्ता में हमें एक ये फल दिखाई दिया है, जिसे हमारे रायगढ़ के और बाय खुजरी बोलते हैं, बिलासपुर रईस और के वास बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा खुजलाता है, अगर आप कभी भी ट्रैकिंग कर रहे हैं जंगलों में जा रहे हैं तो इससे बच के रहें, अगर एक बार लग गया तो आपका पूरा हालत ख़राब हो जाएगा। खुजलाते खुजलाते 2 दिन तक खुजला सकते हैं, कोई डॉक्टरी उसमें उपाय नहीं होता है, गोबर ओबर से उसका उपाय शायद करते हैं, बट खुजली आपका रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर एक माता का प्रतिमा बनाया गया है सीमेंट के द्वारा, शायद लक्ष्मी माता जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि कमल के ऊपर बैठी हैं। ये पहुंच चुके हैं हम लोग पैरी उद्गम में, आप देख सकते हैं माँ पैरी
पैरी को भी माँ का दर्जा है, जिस प्रकार से महानदी को माँ का दर्जा है, तो ये जो स्थान देख रहे हैं जय माँ पैरी, तो ये साल के बारह माह ये एक छोटा सा कुंड है जिसमें ये बगल में एक प्रतिमा बनाई गई है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ से उस पत्थर से निरंतर पानी बहते रहता है, और यहाँ पे कुछ पूजा अर्चना किया गया है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, तो नवरात्रि के समय में लगातार यहाँ पूजा अर्चना और भक्तों का आवागमन लगा हुआ है। मैं आप लोगों को एक बार पुनः दिखाऊंगा इस कुंड को, और ये जिस जगह से आ रहा है ये आप देखेंगे, ये यहाँ से आ रहा है, इधर किनारे से थोड़ा दूर तक तो आ ही रहा है, बट ये पानी यहीं से आ रहा है, फिल्टर्ड वाटर है, और इसे बोला जाता है पैरी का उद्गम। और इस ओर अगर आप देखेंगे ये विशाल पहाड़, विशाल पत्थरों का पहाड़, जहाँ पानी कहीं से भी आने का दूर दूर से कोई नज़ारा नहीं है, ना कुछ समझ आता है कि पानी कहाँ से आए, परंतु ये पानी यहाँ से निरंतर बह जा रही है, साल के बारह महीने ये पानी यहाँ से निकलती है। तो ये अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य आप लोगों को देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, आप अगर कभी भी इस क्षेत्र में आते हैं, मैनपुर क्षेत्र में, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। प्रकृति के सुंदर नज़ारों के साथ साथ यहाँ पे जो प्रकृति का अद्भुत करिश्मा है, और हमारे हिंदू धर्म जिस तरह इन नदियों को मानती हैं, इन सबको आप ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो फिलहाल मैं यहाँ से एक ड्रोन शॉट आपको दिखाता हूँ कि किस पहाड़ी में हर क्या हाइट है, और यहाँ का आप सीनिक व्यू का, नज़ारों का मजा लीजिए। पैरी नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील के भाटीगढ़ नामक स्थान से होता है। इस स्थान को लेकर लोगों में काफी मान्यताएं हैं। उद्गम के बाद पैरी नदी कई छोटे बड़े नालों से मिलते हुए सीकासर ग्राम के पास बना हुआ सीकासर बांध में एक विशाल काय नदी में परिवर्तित हो जाता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पैरी नदी को वास्तविक नदी का रूप इसी बांध के बाद प्राप्त हुआ, जो कि आगे बहते हुए गरियाबंद जिले के राजिम में महानदी में मिल जाती है। पैरी नदी जहां महानदी से मिलती है, उस स्थान से कुछ किलोमीटर पहले पैरी नदी में सोंडू नदी मिलती है, जिसके कारण राजिम में त्रिवेणी संगम बनता है, और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हम लोग ये सीढ़ियाँ चढ़े और माता पैरी जो महानदी के साथ आगे जाकर के जुड़ जाती है, उनका जो उद्गम हुआ है, उस चीज़ को मैं आपको दिखाया, काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला। एक बार और बता दूं, ये पत्थरों के बीच से माँ निकल रही है, और जो ड्रोन शॉट आपने देखा, सीनिक व्यू देखा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो, तो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, अगर उसे दबा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो हमारे जो इसी प्रकार के जो भी वीडियोस आएंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, पर्यटन स्थल से रिलेटेड, ऑल ओवर इंडिया के जो भी पर्यटन स्थल है उनसे रिलेटेड, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच जाएगा। तो आज हम नागमणि भाई, लोकेश भाई, आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।